ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में काबिज होगी, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा सत्ता में काबिज होगी और पहले की तरह ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गुंडाराज दोबारा नहीं होने देना चाहती है, इसलिए जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का नारा लेकर चुनाव मैदान में जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार भी योगी सरकार प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। ठीक गणतंत्र दिवस के दिन उत्तर प्रदेश में रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्रों पर पुलिस दमन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा सरकार की निंदा किए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी फुर्सत में है इसलिए वह कुछ भी बोलती रहती है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शिवपुरी गुना सांसद केपी सिंह यादव ने सिंधिया समर्थकों के पार्टी में हावी होने एवं मूल भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने पर उन्होंने कहा कि वह सांसद यादव से मौका मिलने पर बात जरूर करेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री तोमर दो दिवसीय दौरे पर श्योपुर जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले वे मुरैना जिले के विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। लोकसभा सत्र 31 तारीख को शुरू होने वाला है, उससे पहले मैं क्षेत्र का दौरा करता हूं। अभी कुछ दिन पहले आया था, तब मुरैना जिला किया, अब 28-29 दो दिन श्योपुर जिले के प्रवास पर जा रहा हूं। वहां विकास की जो कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे, बाकी कुछ नए काम कैसे शुरू हो सकते हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। लोगों को आजीविका की दृष्टि से, पशुपालन की दृष्टि से, कृषि को बढ़ाने की दृष्टि से जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं पर भी काम को गति देने का प्रयत्न करेंगे। और कुछ नए प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे। देखिए, दरअसल मुझे मालूम नहीं है कि उनका बयान क्या है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इस सिद्धांत के आधार पर काम कर रहे। ग्वालियर से लोकेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।